हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से और अभी देखो ये दोनों ना बाप बेटे उठे नहीं है बिस्तर से और हमारा ना नाश्ता पानी भी भूल चुका है और इनकी ना अभी मॉर्निंग नहीं हुई है। देखो अंशी, देखो अंशी भी अभी जागी और मिस्टर जी भी अभी जागे बड़ी मुश्किल से। तो आज हमारे जो गांव के नीचे वाले खेत है ना, तो वहाँ रोपाई हो रही है और शादी ना मॉर्निंग में चली गई थी, पता नहीं कितने बजे चली गई थी। जब मैं भी जागी ना तो उनको देखा ही नहीं घर में, तो वो पानी लगाने के लिए जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जाना पड़ता है तब जाके ना पानी मिलता है। तो अभी मेरा ना नाश्ता बन गया है और शादी के लिए तो मैंने ना खेत में ही पैक कर दिया है। बाकी मेरा नाश्ता हो चुका है और अभी मैं ना बैल को लेने जा रहे हैं क्योंकि बैल ना लोगों के घर में है, तो वहाँ से एक बैल मैं लाऊँगी और उसे ना दोनों बैल ना ये लेके जाएंगे और मैं साथ में लेके जाऊंगी आज खेत में थोड़ा सा ना गोबर, क्योंकि गोबर की जरूरत होगी। मैं तो बैल को लेने चली गई हूँ और मिस्टर जी को बोला कि आप फटाफट से बिस्तर से उठो और शायद ना हमको ना पानी मिल गया है, तो उन्होंने फोन करके बोला है नीचे से कि आ जाओ बैल लेके। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ और मौसम भी आज ना कड़ाके वाली धूप है। अभी तो मतलब इस बार ना उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। रोपाई के टाइम तो बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब अभी तक ना चौमासा स्टार्ट हो जाना था यहाँ, लेकिन अभी नहीं हुआ। इस बार ना बारिश बहुत कम हो रही है। छानी में रहती है ना लोगों की, तो वहाँ उनकी भैंस भी रहती है और बैल भी आजकल उन्हीं के पास है, घर तो उनका नीचे है। और पानी ना आज बड़ी मुश्किल से मिला है हमको, क्योंकि कल शाम को भी मैं नहर में गई थी और अभी मॉर्निंग में ना साहू पता नहीं कितने बज गए होंगे तब जाके पानी मिला है। और उसके लिए ना हमने बिजवाड़ भी ना धान ला दिया है बिजवाड़ से, और रोपाई के लिए हमने ना बिजवाड़ से ना कल ही लाया था शाम को ना धान, तो धान तो हमने ला रखा है। बाकी बस खेत का ही काम है, आज धान लाने वाला काम हमने कर रखा है और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दो खेती हैं हमारे वहाँ पर। तो उसके बाद हमारी ना रोपाई भी ख़त्म हो जाएगी और रोपाई की ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तो खैर क्या, पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बारिश नहीं हो रही इस बार। और यहाँ ना धान की खेती ज़्यादा होती है, मंडवा झंगोरा ये सब यहाँ थोड़ा कम होता है, तो धान की खेत ज़्यादा है, तो सब लोग ना रोपाई में ही लगे रहते हैं। ये रहा हमारा बैल यहाँ पे, इस पे मैंने रस्सी लगा दी है और अब इसको लेके जाना है। चल चल, इसको खोलते ही अब ना ये घास चलने लग गया और जाते जाते पता नहीं कितना टाइम लगाता है। बैल तो मैंने ला दिया है और साथ एक बैल ना मिस्टर जी ने ला दिया, वो आ गए उधर से, तो इन्होंने घर से लाया और मैंने ना लोगों के घर से, तो दोनों मिल गए हैं यहाँ पे अभी दोनों बैल। तो ये लेके जाएंगे और मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैंने सब्जी के लिए भी ना नाश्ता लाना है, साथ में गोबर भी लाना है। तो ये लेके चले गए हैं बैल को और मैं जाती हूँ अब घर। घर आ चुकी हूँ खाना लेने के लिए और अभी अंशी खा रही थी चूल्हे जो कि हमने ना पेड़ से निकाले थे, तो आज देखो ये ऐसे पक चुके हैं और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा ना टेस्टी भी हो रहे हैं। तो अब ये ना ऐसे हो गए हैं, मतलब एकदम सा ना पक चुके हैं और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा ना टेस्टी भी होंगे। देखो कितना मस्त लग रहा है। और अंशी ने सुबह से खाने पे लगी हुई है, तो अब थोड़ा सा ना मैं खेतों के लिए रखती हूँ इनको, खेत में खाएंगे। बाकी ना बाहर से इन्हें भी इसको खाया जाता है, अंदर से ना इसकी जो गुठली होती है ना उसको भी खाया जाता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं। अंदर से भी ना इसका जो बीज रहता है ना वो मीठा होता है और साथ में ना इसका तेल भी बनता है। पहले के लोग ना इन्हीं चीज़ों का ना बहुत यूज़ करते थे, तो इसका जो तेल बनता है ना, तो जब किसी को ना बहुत ज़्यादा गर्मी और सर दर्द होता है ना, तो उसके लिए ना इन चूल्हे का मतलब जो चूल्हे आड़ू का जो बीज होता है ना जो ढीला होता है ना,
तो उससे तेल बनता है। तो इसको आटे की तरह ना इसको लगाया जाता है, तब जाके ना तेल बनता है। और सर दर्द और जिसको ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो सर पे डालने के बाद ना इसका तेल ना बहुत ही ठंडा होता है और बच्चों के लिए भी ना काफ़ी अच्छा होता है। अब तो लोग ये सब चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बार ना संभाल के रखेंगे और बनाएंगे जितना भी निकलेगा। तो चलो फटाफट से ना इनको कर लेते हैं और मैं भी चली जाती हूँ खेत में। तो ये मेरी ना घेरी है, गोबर से भर रखी है, और इसमें ना साजिद के लिए ना नाश्ता है। तो चलो मैं ना आ चुकी हूँ अभी खेत में, और साजिद ने तब तक थोड़ा थोड़ा ना इस वाले खेत का काम कर दिया जहाँ से ना हम कुदाल से करते हैं, क्योंकि यहाँ ना बैल नहीं लगते हैं, बाकी नीचे हमारे बैल हैं तो वहाँ हैं, और पानी की थोड़ा सा ना कमी है। तो थोड़ी देर बाद ना हम हल लगाना स्टार्ट करेंगे, तब तक हम ना इसको कुदाल से खनेंगे क्योंकि यहाँ बैल नहीं लगते हैं, और साजी नाश्ता करेंगे। खेत से ना मैं अपने पुराने वाले घर में आई हूँ धान के लिए, जहाँ हमने ना बिचवार से ना धान निकाल के ना इस वाले घर में रखा था अभी अंदर कल शाम को। तो अभी मैं उसी को लेने आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ना बिचवार से धान निकाल के यहाँ पे रखा हुआ था कल शाम से। तो अभी ना मैं इस पे लेके जा रही हूँ उसको गिड़ी पे। दोस्तों हमने ना तीनों खेतों में ना मतलब हल लगा दिया है, और अभी मैं यहाँ से ना जो भी कबाड़ा या जो खरपतवार है उसको निकाल दे रही हूँ। और मिस्टर जी लोग ना चले गए हैं आधा घंटा पहले, और आगे से वैसे मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, मतलब मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। तो अब जाके ना अभी कोई कैमरा मैन है, मतलब ननद आ रखी है तो हमारे साथ अभी, तो उसी को अभी ना फ़ोन पकड़ाया है मैंने। बाकी अब हम यहाँ ना दो खेत जो नीचे के हैं ना हमने वहाँ रोपाई कर दी है, और अब ये बचा है और वो था तो वो भी हो चुका है, और मैं यहाँ से कबाड़ा निकाल रही हूँ और बाकी लोग ना रोपाई का काम कर रहे हैं। अभी मौसम भी ना खराब हो गया है, यहाँ से ना धूप चली गई है। तो मिलते हैं आप लोगों को, और आप दोस्तों हमारी रोपाई भी ना कंप्लीट हो चुकी है, और हमने ना खेत को रोप दिया है, और बाकी बगल वाले खेत में ना बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी है, और वहाँ ना बहुत पहले ना रोपाई हो चुकी थी। तो अभी तक हमारा भी ऐसे ही होना था अगर हम भी लगाते, तो ऐसे ही सोचा कि बारिश होगी, तो बारिश हुई नहीं, तो आज हमने भी ऐसे ही लगा दिया है। तो अब देखते हैं कैसे पानी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ना मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी टाइम भी ना 4:30 हो चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, तो सुबह 9 बजे मतलब 8:30 बजे से और अभी तक खेत का ही काम चला, और फाइनली हमारी ना रोपाई भी ख़त्म हो चुकी है अब, और अब चलते हैं घर को। तो घर जाने की तैयारी है, और ये हलूंग है और भारी हो रहा है, अभी ना थकान भी लग गई है और साथ में ना भूख भी लग गई है। तो घर जाते जाते ना हमको 5 बज जाएगी, 5:30 हो जाएगी वैसे, तो आज का टाइम चला गया है, और खुशी इस बात की है कि फाइनली रोपाई भी हो चुकी है हमारी खत्म।
तो कल की वीडियो को ना मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी टाइम ना 12 बज चुके हैं। मॉर्निंग से ना मैं शर्ट की गुड़ाई कर रही थी और अभी घर आ चुकी हूँ तो खाना बना रही हूँ। बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज रिता ना ससुराल जा रही है तो वो हो रही है ससुराल के लिए रेडी। और मतलब 1-1.5 महीना हो गया था इस बार उसको यहाँ, तो काफ़ी टाइम बाद ना वो जा रही है तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो जाता है उसको तो लगता ही नहीं है, साथ में ना घर वालों को भी उतना अच्छा नहीं लगता है, साथ में ना घर वालों को भी ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी अंशी की वो ना चोटी बना रही है और अब अंशी का भी मतलब चोटी बनाने वाला काम वही करती थी और दिन का खाना भी ना आजकल वही बनाती थी, लेकिन आज वो जा रही है। और साथ में यहाँ हमारे घर में ना मेरी जेठू जी का ना लड़का भी आ रखा है, तो वो भी ना कल शाम को ही आया और खेत से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा ना थकान लगी थी तो मैंने ना ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं करी। वो आया शाम के टाइम पे जब हम खेत से आए ना तभी वो भी आए। तो आजकल ना मतलब हर जगह बच्चे ना गांव में या घर आ रखे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो रखी है। तो ये यहाँ पर ना रेडी हो चुकी है, देखो कैसे लग रहा है। और यहाँ पे ना मेरी ननद का बैग भी तैयार हो गया है और ये देखो मेरे जेठू जी का लड़का है और ये ना ऋषिकेश में रहता है और चला गया। शर्म आ रही है पिंचू, तो इसको ना भूख लग गई बोले, और तो इसको ना थोड़ा सा रीता भी ना चली गई है। एक दो दिन तक ना बहुत ज्यादा ना उदास सब फील होगा और अंशी तो ना बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी, ये होती है। अभी बोलती है आप कब आएगी और रो रही है, अभी अपने पापा की गोद में थी और रो रही है कि कहाँ जा रही है, बोले मत जा। तो चलो अब मेरे ना कपड़े धोने के लिए हैं बहुत सारे और अब ना कपड़े भी धो देती हूँ और बाकी खाना भी हमारा ना दिन का बन रहा है। तो आज की वीडियो को ना इतना ही रखती हूँ, आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को ना इतना ही रखते हैं, आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।